अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम शेयर करने वाले हैं कलकत्ता की बहुत ही फेमस रेसिपी चिकन रिजाला। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसमें मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही कम चीजों से ये बहुत ही उम्दा रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो देख लेते हैं कि ये कैसे बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 700 ग्राम चिकन लिया है। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छन्नी में रख दिया था। इसका एक्स्ट्रा जितना पानी था सभी अलग हो गए हैं। और इस रेसिपी को बोनलेस चिकन से नहीं बनाया जाता है, हड्डियों वाले चिकन से ही इसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, तीखा कम ज्यादा अपने पसंद के मुताबिक रखना है आपको, और इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 3/4 कप गाढ़ा दही, ये बिल्कुल फ्रेश है। और साथ ही हमने यहाँ पर तेल ऐड कर दिया है 2 बड़ा चम्मच। तेल की जगह पर आप बटर या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक पसंद के मुताबिक हमने ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे बोटियों पर यानी सारे पीसेस पर अच्छे से मसाले लग जाएं। तो ये रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये कलकत्ता का बहुत ही फेमस रेसिपी है और काफी ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो इसे मैरिनेट करने के बाद इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में आपको रखना है। तो अब इसे हम ढक देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं, बाकी दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने 9 से 10 काजू लिया है, और यहाँ पर जो खसखस है यानी पॉपी सीड्स 1.5 बड़ा चम्मच हमने लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करना है, गर्म पानी का इस्तेमाल करना है ताकि ये जल्दी से फूल जाए। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर साइड में रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद ये अच्छे से फूल जाता है, अब इसे हम पीस लेंगे। तो अगर हम पहले से ही इसे भिगो कर रखते हैं तो ये काफी फाइन पेस्ट बनता है, वरना काजू तो अच्छे से पीस जाते हैं लेकिन खसखस के दाने रह जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसे हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो इसे साइड में रख देते हैं और हम चिकन देख लेते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, जो हमने मसाले के साथ मेरीनेट किया था अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। इस तरीके से आपको भी तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, 1/2 कप हमने यहाँ पर रिफाइंड तेल ऐड कर दिया है, और यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे कि 2 तेज पत्ते हैं, 2 दालचीनी 1 इंच की है, 1 छोटी सी जावित्री है, 3 हरी इलायची और 9 से 10 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग है, 2 साबुत लाल मिर्चें। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर अच्छे से आ जाए। इस रेसिपी में जो खुशबू आती है इन्हीं मसालों से आती है। तो अब इसमें हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था, इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। इसमें कटा हुआ प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्याज का पेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पॉइंट पर बहुत ही ध्यान से हमें इसे भुनना होता है, क्योंकि प्याज के ऊपर गोल्डन कलर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिकन रिजाला का जो कलर होता है बिल्कुल सफेद यानी व्हाइट कलर का होता है। अगर हम प्याज को गोल्डन कर देंगे तो हमारा जो चिकन रिजाला है उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसे तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है, इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। ख्याल रहे कि हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, प्याज वरना जल जाएगा। आप देख सकते हैं प्याज को अच्छे से हमने भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है, और इसमें जो हमने खड़े गर्म मसालों का इस्तेमाल किया है उसकी खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। तो अब इस पॉइंट पर हम मेरीनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। बॉल में मसाले लगे हुए हैं, इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसे भी इसी में शामिल कर देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हैवी मसालों का चिकन हो या मटन हो खाकर बोर हो जाते हैं, बस लगता है कुछ लाइट खाएं। तो इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा खुशबूदार भी बनती है और बहुत ज्यादा ये उम्दा रेसिपी है। जो बिगनर्स हैं, पहली बार इस रेसिपी को बना रहे हैं, तो सारे टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपसे भी ये फर्स्ट टाइम में ही काफी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। किसी को यकीन नहीं होगा कि इसे आपने बनाया है।
इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और इससे रोगन भी रिलीज हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे काजू और खसखस का पेस्ट। कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसमें शामिल कर देंगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम हमने रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर इसे हम नहीं बना रहे हैं। और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर हमने 2 मिनट के लिए पकाना है काजू का पेस्ट डालने के बाद। इस रेसिपी को धीमी आंच पर ही बनाई जाती है, तभी जाकर ये ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो हमने अब तक नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस पॉइंट पर हमने पसंद के मुताबिक नमक शामिल किया है। ख्याल रहे चिकन को मेरीनेट करते टाइम भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से नमक का इस्तेमाल करना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी लीड लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद इसकी लीड हम हटा रहे हैं और आप देख सकते हो कि जो हमारी ग्रेवी है कितना ज़्यादा रिच लग रही है और हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, काफ़ी अच्छे से गल गया है। तो धीमी आंच पर अगर हम इसे बनाते हैं तो जो हड्डियों का टेस्ट है वो भी हमारे ग्रेवी में आ जाता है, इसलिए जो ग्रेवी का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 से 10 धागे केसर के हमने डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच बटर का इस्तेमाल हमने किया है और 1 बड़ा चम्मच केवड़ा जल। इस रेसिपी में केवड़ा जल और केसर का इस्तेमाल लाजमी होता है, आप लोगों को भी इसे स्किप नहीं करना है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने मिक्स करना है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को एकदम से लो कर दिया है और इसकी लीड लगाने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो हमने खुशबू का इस्तेमाल किया है, वो सारे चिकन में अच्छे से फैल जाए। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था, उसके बाद 5 मिनट इसी तरीके से छोड़ दिया था, उसके बाद इसकी लीड आपको हटाना है। अब इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं, ये कितना ज्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। इस ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसे बहुत ज्यादा आपको थिक नहीं रखना है। ग्रेवी जो होती है इसी टेक्सचर की होती है, बहुत ज्यादा अगर गाढ़ी रहेगी तो वो खाने में भी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। अब इसे हम डिश आउट करते हैं, तो ये देखिए आप इसका कलर देख सकते हो कि इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद है। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिच लग रही है। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चिकन भी हम आपको तोड़ कर दिखाएंगे कि कितने अच्छे से गल चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। इस रेसिपी के साथ आप नान खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं या फिर आप रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। चिकन रिजाला बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।